राइट, ठीक है। एक बार वेरी क्विकली कुणाल आपका भी व्यू समझ लेते हैं, फिर नुरेश के पास आएंगे और बाकी एक्सपर्ट्स भी ट्रेडिंग के पिक्स लेंगे। कुणाल आप कैसे देख रहे हैं निफ्टी पर लेवल्स आज? सो इंडेक्स स्पेसिफिक मेरा भी व्यू इसमें आज रहेगा कि मार्केट इंडेक्सेस वाइज कंसोलिडेट कर रहा है। 16,200 टू 800 का ब्रॉड रेंज है। हालांकि इंडिया विक्स लोअर हो चुकी है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज और नैरो हो सकता है, बट 16,200 टू 800 की ब्रॉड रेंज है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन होकर ओपन होता है तो आई थिंक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक मार्जिनल अपटिक का ट्रेड बन सकता है, जहां से वो इंडेक्स बाय कर सकते हैं 70-80 पॉइंट्स अपटिक के लिए। हो रहा है तो क्लियरली कुणाल की तरफ से भी उनकी इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हमने जानी। नुरेश गुड मॉर्निंग, आप बताएं आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस कौन से होंगे और उनमें से फिर आपकी कॉल ऑफ द डे क्या होंगी? सो जैसे कि ये वीक में फेड मीटिंग है और एक इवेंट रिस्क है, तो काफी डिफेंसिव रहूंगा और डिफेंसिव रहूंगा स्टॉक नेम्स में, बट ये जो स्टॉक्स है जो एग्रेसिव बन गए प्राइस एक्शन में। सो सबसे पहले भाई रहेगा आईटीसी पर, आईटीसी जहाँ पे स्टॉक ने लास्ट पहली बार इतने सालों में लास्ट 10 दिन तक पॉजिटिव क्लोज दिया है, टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर है और 210 पे कम से कम 8 से 10 बार बॉटम बना चुका है और पहली बार रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के साथ। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, पहले टारगेट होगा 265 जो रिसेंट हाई था, और वो क्रॉस हो गया तब एक बड़ा ही लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज होता है, स्टॉप लॉस 228। सेकेंड है बाई सन फार्मा पर, जो लीडिंग रहा है पूरे फार्मा सेक्टर में। स्टॉक ने काफी मोमेंटम बताया है, पहले तो ना गिरकर जहां पे 820 850 का लेवल होल्ड कर रहा था और फाइनली लास्ट वीक इसने एक न्यू 52 वीक हाई बनाया। इसमें टारगेट रहेगा 1050 और लॉन्गर टर्म ये फिर से 2015 के भाव पर जा सकता है 1200 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 875 शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक ऑफ द डे सन फार्मा सुझा रहे हैं आप? स्टॉक ऑफ द डे रहेगा आईटीसी। ओके, आईटीसी नुरेश की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे। कुणाल आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए कौन से होंगे और उनमें से टॉप पिक स्टॉक ऑफ द डे? दो पिक्स रेकमेंड करूंगा। पहला आईटीसी पे रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी हो सकती है बिकॉज 240 का जो लेवल है वो लास्ट 6 मंथ से एक मेजर रेजिस्टेंस रहा है। हालांकि स्टॉक लास्ट 2 वीक से बहुत अच्छे मोमेंटम में है, बट मेरे अनुमान से अगर ये 240 का लेवल क्रॉस कर दे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है आईटीसी के लिए, एक पोजिशनल एंड मेजर ब्रेकआउट ओपन अप हो सकता है स्टॉक के लिए। सो मैं बाय के लिए रेकमेंड करूंगा, 265 का टारगेट, 222 का स्टॉप लॉस। और सेकेंड स्टॉक रहेगा ट्रेंट। हम जबकि हम बात करके इंडाइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट अभी भी अपने रिपेयर वर्क पे आ रहा है, बट ट्रेंट एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई पे के आसपास आ चुका है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। लास्ट वीक भी स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोज किया है, तो मेरा अनुमान है कि ये स्टॉक और ज्यादा मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। बाय के लिए रिकमेंड करूंगा, 1250 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1150 का। और इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कॉल ऑफ द डे, कॉल ऑफ द वीक एंड पॉसिबली कॉल ऑफ द मंथ हो सकती है आईटीसी, अगर ये स्टॉक 240 को क्रॉस कर ले, 265 का टारगेट, 222 का स्टॉप लॉस। एक्सीलेंट, ये क्लियरली एक जो एक मैसेज भी घूम रहा था सोशल मीडिया पे कि क्रूड पे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आईटीसी, मैं आईटीसी हूँ, मैं तो हिलूंगा नहीं, शायद वो जिंक्स अब ब्रेक हो सकती है कुणाल के अकॉर्डिंग।